आज इस देश की आवाम जो है वो खुद अपने लिए चूज़ कर रही है कि इसी इश्यूज पे वो लोग बात करना चाहते हैं, और हमारे लिए एज मुस्लिम कम्युनिटी हमारा ये हक है कि हम अपनी जान की, अपनी माल की, अपने इबादत गाहों की, अपने घर की, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। और इस वजह से अगर ये मुद्दे उठ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उस पर ज़ोर और शोरों से आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए इस कंट्री में ओनरशिप की। बहरहाल जो है वो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इस देश के मुसलमानों को बचाने की ज़रूरत है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने आप को बचाए। पहले संविधान जरूरी है मुस्लिम? संविधान तो अपनी जगह सेफ है, लेकिन मुसलमानों के जो राइट सेफ नहीं है वो राइट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब है संविधान को खतरा नहीं है, देश के लोगों को खतरा है? देश के मुसलमानों को खतरा है, लोगों को नहीं। मुसलमानों का? हाँ, मुसलमानों को खतरा नहीं है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन, इस वक्त हूँ गालिब ऑडिटोरियम दिल्ली में। तो हमारे साथ में बात करने के लिए इस वक्त हैं शपोरा मैम, जो जामिया विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर हैं। तो आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला, देश भर के मुस्लिम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। आपने वैसे तेजस्वी वाहर दिया, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे दर्शक हैं, उन्हें आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। जी, मैं सफूरा जरगर हूँ, मैं एक UAPA एक्यूज्ड हूँ। NTCA प्रोटेस्ट के दौरान, जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो आई वॉज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, और उसके बाद जो सरकार ने दिल्ली रायट्स कॉन्स्पिरेसी केस है उसमें मुझे अरेस्ट कर लिया गया और मुझ पर UAPA लगा दिया। बट किस्मत से मुझे 2.5 महीने में बेल मिल गई और आज मैं बाहर हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छी बात है कि काफ़ी महिलाओं को बुलाया गया सम्मान से और उनको अपनी बात रखने के लिए कहा गया, पर मुझे अभी भी लगता है कि और ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि महिलाओं को लाया जाए, और ना कि सिर्फ उनको बिठा के एक तरह से एक डाइवर्सिटी या रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, बट हमारी कम्युनिटी को ये उनके पीछे चलने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो 50% ऑफ दी पॉपुलेशन, और हमें अपने राइट्स और हुकूक तभी मिलेंगे जब हमारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स और बात डिसीजन मेकिंग सर्कल्स में, हमारे लोगों के पास पावर आएगी। तो आई फील कि स्पीच मैंने पूरा सुना था, तो आपने मेरे को बात भाई थी, आपने कहा था कि महिलाओं केवल रिप्रेजेंट नहीं, उनका डिसीजन मेकिंग के लिए कब होगा। तो वास्तव में बता दूँ, ये केवल एक मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, समाज में हर प्रॉब्लम है। तो क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे अपनी युवा महिलाओं? मैं ये कहना चाहूँगी कि इन द कंट्री जितनी भी महिलाएं हैं, हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि पब्लिक स्फीयर में, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, उसमें हमारी इज्जत नहीं की जाती और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, रैम्पेंट अमंग इज सेक्सुअल हैरेसमेंट और काफ़ी और तरह की प्रॉब्लम्स भी। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ से डिस्करेज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जब एक दो महिलाएं आगे आएंगी, तभी बाकी की महिलाएं और आगे आ पाएंगी, और ये जो पब्लिक स्पेसेस हैं ये हमारे लिए सेफ हो पाएंगी, ताकि और भी ज़्यादा महिलाएं आगे आ सकें। अगेन, मैंने कभी भी ये चीज़ एम्फेसाइज नहीं की कि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ऑल कम्युनिटीज़, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इस्लाम इज़ अ वेरी फेमिनिस्ट रिलीजन, और जो हमारे प्रॉफिट थे वो एक फेमिनिस्ट थे, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, और इसी वजह से मुझे लगता है कि हम पे और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम औरतों को उनका सही मुकाम दें। एक और सवाल, थोड़ा लास्ट सवाल कर रहा हूँ, देश में जिस प्रकार से माहौल है, मीडिया में लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा और कोई बात नहीं की जा रही, इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली सरकार एक ही एजेंडे से पावर में आई है, और सिर्फ बात नहीं होती है मंदिर मस्जिद के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे कि बाबरी तक सीमित नहीं रह गया है, ज्ञानवापी की बात हो रही है, मथुरा काशी हर जगह, और भी कितने सारे पेटिशंस फाइल हो चुके हैं। तो हमें ये समझना होगा कि सिर्फ ये डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स नहीं हैं। आज इस देश की आवाम जो है वो खुद अपने लिए चूज़ कर रही है कि इसी इश्यूज़ पे वो लोग बात करना चाहते हैं, और हमारे लिए एज मुस्लिम कम्युनिटी हमारा ये हक है कि हम अपनी जान की, अपनी माल की, अपने इबादत गाहों की, अपने घर की, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। और इस वजह से अगर ये मुद्दे उठ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उस पर ज़ोर और शोरों से आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए इस कंट्री में ओनरशिप की। क्या लगता है सरकार के पास जो मुहैया, थोड़ा टाइम लूँगा, जो मौजूदा हालात हैं, जैसे युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई,
सुरक्षा नहीं है, बेटियों की सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो इन सभी मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम आने वाले चुनावों के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। जी बिल्कुल, मुस्लिम कम्युनिटी जो है इन सब प्रॉब्लम से बहुत टाइम से जूझ रही है। आप देखेंगे कि एज अ कम्युनिटी जो मुस्लिम्स हैं वो दलित और ओबीसी से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं इस कंट्री में। तो हमारी कम्युनिटी इन सब मामलों से बहुत पहले से हम लोग इसके बारे में बात करे जा रहे हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को ये चीज़ नहीं मिल रही है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम ये देख रहे हैं कि जो आम जनता है वो उसको भी ये चीज़ नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है तो इस चीज़ से पड़ रहा है कि यहाँ मंदिर थी या मस्जिद थी। अनफॉर्चुनेटली द पॉलिटिकल कोर्स हैज़ आउटरेड, जो नफरत की राजनीति है वो इतना घर कर चुकी है दिलों में, घरों में, कि मतलब इस वजह से कोई भी इशू जो है वो नॉन इशू बन जाता है, सिर्फ एक ही इशू। एक मिनट रोक लूंगा, क्या उपाय है, सबका सॉल्यूशन क्या है जो नफरत देश में फैलाई जा रही है? मुझे लगता है कि कहते हैं कि सरकार को वोट आउट कर देंगे तो वो एक पॉलिटिकल इस चीज़ का रास्ता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक रेडिकल सोशल चेंज सोशल लेवल पे, मुझे लगता है कि कम्युनिटी लेवल पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना पड़ेगा और उनको अपनी कम्युनिटी को डीरेडिकलाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक और साथी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं, आसिफ इकबाल जी, जो सीए प्रोटेस्ट में मतलब एक्टिविस्ट रहे हैं, उन्होंने चढ़ करके भाग लिया है, तो उन्होंने अपना बहुत ही तेजस्वी भाषण रखा है, उनसे भी बात करते हैं क्या है पूरा मामला, यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी पूरे देश भर से इकट्ठी हुई है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे जमा हुई है, आज जो हमारे देश में मुसलमानों का जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मुसलमानों के सारे हुकूक़, मुसलमानों को यहाँ तक के जो है लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों के मस्जिदों को जो है वो निशाने बनाए जा रहे हैं, और मतलब जुल्म जितना हो सकता है वो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट में एक कुछ सेटअप लेने के लिए जो है मोहम्मद अदीब साहब ने एक सेटअप लिया था कि किस तरह से मुसलमानों की लड़ाई जो है वो लड़ी जाए, तो उसके लिए हम लोगों को बुलाया था, तो हम लोग आए हैं, अपनी बात रखे हैं कि अभी फ़िलहाल बहरहाल जो है वो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशंस को बचाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इस देश के मुसलमानों को बचाने की ज़रूरत है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने आप को बचाए। मतलब पहले संविधान जरूरी है मुस्लिम? देखिए, जब संविधान किसके लिए, लोगों के लिए है, अगर संविधान अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो संविधान किस काम का? संविधान भी तो मतलब संविधान बचेगा तभी तो, अगर लोग रहेंगे तभी तो संविधान इम्प्लीमेंट होगा, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो संविधान कैसे इम्प्लीमेंट होगा? संविधान किस पे इम्प्लीमेंट होगा? संविधान जो राइट्स देता है वो राइट्स मुसलमानों को क्या संविधान ने मना किया? संविधान में तो कोई ये नहीं है ना, लोग मना कर रहे हैं संविधान को चलाने, तो पहले मुसलमानों को बचाइए, और मुसलमानों को बचाने के लिए जो लोग संविधान के राइट्स मुसलमानों के काट रहे हैं, पहले उनको जो है आप समझाने की कोशिश कीजिए, उनको लाइन पे लाने की कोशिश कीजिए, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाइए, उनके अगेंस्ट विरोध कीजिए। तो यदि जो है संविधान तो अपनी जगह सेफ है, लेकिन मुसलमानों के जो राइट्स सेफ नहीं है वो राइट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब है संविधान को खतरा नहीं है, देश के लोगों को खतरा है? देश के मुसलमानों को खतरा है, लोगों को नहीं। मुसलमानों को खतरा? हाँ, मुसलमानों को खतरा नहीं है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और मुसलमान जो है वो मुसलमान किसी से डर नहीं रहा, मुसलमान जो है वो खामोश है, मुसलमान चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए, जब चीज़ें भरेंगी तो एक बार निकल के आएगा, तो जाहिर सी बात यह है कि अभी मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसा कि आपने अंदर भी सुने होगा कई सारे लोगों ने, स्पीकर्स ने कई सारे लोगों ने, कि जब कोई चीज़ भर जाता है तो वो उबाल मारता है, तो कहीं ना कहीं वो उबाल जो है वो कोई गलत शक्ल ना अख्तियार कर ले। इससे बचाने के लिए एटलीस्ट एक जो है लोगों को एक साथ आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, और जो है जो हालात है उसमें चेंजेस लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसमें जो मौजूदा हालात है, हिंदू मुस्लिम अभी शिवलिंग का मामला है, तो क्या मतलब सरकार मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है? मैंने सब कुछ तो आपको बोल दिया, मुद्दे से भटकाने के बाद में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को, उनके आइडियोलॉजी को, उनके शरिया को, उनके कुरान को। ये बात कैसे कह सकते हो कि मुसलमान, दलितों के साथ भी हो रहा है, अभी प्रोफेसर रतनलाल के साथ में जो घेराव हुआ, आप कहते आपका स्पीच भी सुना था कि मुस्लिमों के साथ लड़ाई कोई नहीं लड़ता, तो इस बात को मैं नहीं मानता हूँ, मैं एक दलित होने के नाते मैं भी दलित हूँ। जिस प्रकार से शिवलिंग का जो मामला था उसमें प्रोफेसर रतनलाल ने पोस्ट किया था और उन पर डायरेक्ट FIR हुई और उनको मतलब हिरासत में लिया गया, तो ये तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि मुस्लिमों के साथ नहीं? मैं देखिए कुछ किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, लोग बोलते हैं, लेकिन जिन लोगों को बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं। जिन मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो मुसलमानों के उन बड़े लीडर्स खामोश हो जाते हैं, तो उनको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बोल रहा, हम किसी एक को नहीं बोल सकते, ठीक है। प्रोफेसर रतनलाल ने जो है वो सीए में आके काफ़ी तकरीर किए, लेकिन जब हमारे साथी जेल गए तो उनके सपोर्ट में उन्होंने कभी आज तक नहीं बोला, ठीक है। लेकिन फिर भी मुसलमान जो है जब जो है वो बोल रहे हैं,
ठीक है ना, जब रतन लाल जेल गए तो मुसलमान बोल रहे हैं कि गलत है कॉन्स्टिट्यूशन, तो मुसलमान जो है वो बोल रहे हैं, जिनको निशाना बनाया जा रहा है वो मुसलमान भी बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी फिलहाल मुसलमान जो है को ज़रूरत है कि मुसलमान जो है अपने आप को मजबूत करे। प्रोफेसर रतन लाल ने तो सपोर्ट जो शिवलिंग का जो मामला था, जो मस्जिद का मामला था, उसी के सपोर्ट में तो पोस्ट किया था। अगर वो इस चीज़ में मतलब इंक्लूड नहीं होते उसमें, वही बोल रहे हैं ना भाई, हम तो वही बोल रहे हैं ना कि क्या नाम है, लोग बोलते हैं जिन मतलब इशूज़ को देख के जिनको दिल चाहता बोलते हैं, जिनको दिल चाहता नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई नहीं बोलता है, हम कहते हैं लोग नहीं बोलते, या वो लोग बोल रहे हैं जिनकी आवाज़ उतना नहीं पहुंच पा रही है, वो वहाँ तक रीच नहीं हो रहा, उसके लिए इस तरह की कोशिशें नहीं हो रही हैं कि जो हालात हैं उसमें तब्दीली और चेंजेज़ आ जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोलता है, बोलने वाले कुछ लोग बोलते हैं। अपूर्वानंद है, वो हर तरह की बातें मतलब कि सपोर्ट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं तो बोलते हैं। तो ये थे तमाम एक्टिविस्ट जिन्होंने अपने विचार इस ऑडिटोरियम में रखे और अपने मुस्लिम कम्युनिटी को एक संदेश दिया। आप भी इनके संदेश पर, इनके विचारों पर क्या समझते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं ब्रजमोहन, गालिब ऑडिटोरियम दिल्ली। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।